हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छा रिंगटोन बना के कैसे अपने चैनल पे डालें, जिससे कि आपका मोबाइल पे व्यूज़ भी आपका वीडियो पे बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स भी गाइस बढ़ेगा। तो गाइस, चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप मेरा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो गाइस, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं काइन मास्टर को ओपन कर चुका हूँ, क्योंकि काइन मास्टर आपको ज़रूरी है, काइन मास्टर से आपको रिंगटोन बनाना है। तो गाइस, मैं काइन मास्टर ओपन करके रखा हूँ, तो इसको मैं इसमें से एक इमेज बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसके बाद कोई भी मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद इस पर मैं टिक पे क्लिक कर दिया हूँ। इसको गाइस, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 30 सेकंड तक रहने देता हूँ। 30 सेकंड का मेरे को रिंगटोन बनाना है। 30 सेकंड का बनाने से क्या होगा गाइस, मतलब ज़्यादा व्यूज़ आने का चांस रहता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम का व्यूज़ कम आएगा, वो 20 से काट देता है, इसीलिए 30 सेकंड का बनाना है। तो गाइस, इसके बाद मैं गाइस फिर यहाँ पर लेयर पर क्लिक करता हूँ। लेयर पर क्लिक करने के बाद क्या है गाइस, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ ये रिंगटोन का बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। अगर आप नहीं करके रखे तो आप गूगल से जाके कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसका हम एक बैकग्राउंड रिमूव जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं गाइस। ठीक है, ये बैकग्राउंड मैं इमेज यहाँ पे सेट कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके इसको पूरा डिस्प्ले, फुल डिस्प्ले कर देता हूँ गाइस। ठीक है, इसको मैं फुल डिस्प्ले कर दिया हूँ। इसके बाद इस पर टिक पे क्लिक करने के बाद इसको भी गाइस मेरे को 30 सेकंड तक करना है, तो इसको भी मैं 30 सेकंड तक कर देता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड तक इसको भी कर देता हूँ। चलिए, इसको भी 30 सेकंड तक कर दिया हूँ। इसके बाद गाइस क्या है, मेरे को जो फ़ोन का जो है ना, उसको एक बैकग्राउंड इमेज हमको चाहिए फिर से। ठीक है, तो फिर से मेरे को यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद मेरे को यहाँ से फिर एक ऐसा बैकग्राउंड जो है इसका इमेज मेरे को चाहिए। इसके लिए मैं गैलरी में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ गूगल से, तो आप भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो गाइस इसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद गाइस इसको जो है ना, इसका मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर है इसको रिमूव करना है। इसके लिए मेरे को गाइस यहाँ पर नीचे आना है। ठीक है, नीचे आके गाइस यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ब्लेडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेडिंग पे क्लिक करने के बाद गाइस क्या है, ये जो 100% इसको 100% ही रहने देना है। यहाँ पे स्किन पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक इसको बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए रिमूव हो गया है। इसके बाद इसको भी मैं जूम कर देता हूँ गाइस। ठीक है, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, फुल डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको हम आपको चला के दिखाएंगे कैसे है। ठीक है, इसके बाद इस पर मैं टिक पे क्लिक कर दिया। इसको भी गाइस मेरे को ये ऑलरेडी 30 सेकंड का है, यही 30 सेकंड तक ये ऑलरेडी है। इसका जो गाइस इसमें थोड़ा बैकग्राउंड सॉन्ग है, तो इसको मेरे को रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड सॉन्ग को रिमूव करने के लिए गाइस इस पर मेरे को टिक पे क्लिक करना है इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर मिक्सर पे इस पर क्लिक करना है। इसका बाद इसको 100% इसको जीरो कर देना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड सॉन्ग जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, इसके बाद फिर से मैंने को यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस इसमें मेरे को एक ऑडियो, मतलब जो रिंगटोन हम बनाएंगे उसका ऑडियो इसमें कुछ मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो रिंगटोन ऐड करना है, तो इसके लिए मेरे को ऑडियो पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी इसको गूगल से डाउनलोड करके रखा हूँ, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है गाइस, आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पे हमको प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे ये ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं आपको चला के एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सिंपली रिंगटोन है, ये अच्छा है गाइस, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हो गया इसको मेरे को कट कर देना है। तो यहाँ पे हमको ये जो है साउंड है इसको, मतलब ये जो म्यूजिक है इसको एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको कट करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रीम का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर बिचला पे ये ड्रम राइट पे क्लिक कर देना है इस पर। ठीक है, ये क्लिक हो चुका है, ये कट चुका है। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस देखिए आपको चला के हम फिर से दिखा देते हैं आपको।
तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है।